दोस्तों, आई एम मेघा जैन। वेलकम टू सैम इन्फॉर्मेशन हब। आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो है न्यूबॉर्न बेबी के अनवांटेड हेयर को कैसे रिमूव किया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपके थोड़ी बहुत काम आती है या फिर आपने जो भी आपके सामने इन्फॉर्मेशन लाने की एक कोशिश की है वो कोशिश अगर हमारी सफल होती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ऐसी चीज़ है जो पसंद आई है और क्या आपकी क्वेरीज हैं, वो हम 100% सॉल्व करेंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बर्थ के टाइम पे पीछे काफ़ी बाल होते हैं, बैक पे, उनके चीक्स पे बाल होते हैं, फोरहेड्स पे बाल होते हैं, इवन हाथ पे भी होते हैं। मेरे बच्चे को हाथ पे और बैक पे बहुत बाल थे जैसा कि मुझे याद है। तो मैं आपके साथ एक फार्मूला शेयर करना चाहती हूँ। जो उपटन मैंने अपने बच्चों को लगाया है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। इस उपटन से 100% 15 से 20 दिन में बाल चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे तरीके के उपटन बताते हैं, लेकिन मैं जो आपको उपटन बता रही हूँ उस उपटन से 15 से 20 दिन में अगर आप डेली उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो 100% आपके बच्चों के बाल चले जाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आप अपने बच्चे को उपटन लगाते हैं तो वो एक महीने बाद लगाइएगा, ताकि क्योंकि क्या होता है कि एक महीने बाद बच्चे की जो स्किन है वो सब चीज़ें थोड़ा सा एक्सेप्ट करने लगती है। उससे पहले आपके बच्चे की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो मेरा यही सजेशन है आपको कि आप अपने बच्चे को कुछ भी अगर उसको स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक महीने बाद अप्लाई कीजिए, ताकि आपके बच्चे को कोई भी रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने बच्चे को अगर कुछ भी आप ट्राई कर रहे हैं, ये जैसे कि उपटन भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा उपटन या तो उसके एल्बो पे या फिर उसके पैरों पे ट्राई कीजिए। अगर आप देखते हैं कि उसको कोई ईचिंग नहीं हो रही है तो तब ये उपटन आप पूरा ट्राई कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस फॉर्म में ये आपको उपटन मिलेगा। ये इस उपटन के आप दो पार्ट कर लीजिएगा, एक पार्ट आप उसके मतलब फेस के लिए और एक पार्ट उसके पूरे स्किन के लिए। मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से ये अप्लाई करना है। देखिए, ये इस तरीके से आपको अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, फिर ऐसे। मैं भी आपको अपने बच्चे का भी एक फ़ोटो दिखाती हूँ जिसमें मैंने अपने बच्चे को ये किया हुआ है। तो इस उपटन को लगाने के बाद आप अपने बच्चे के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे, जैसा कि मैंने आदविक के बॉडी पे देखा था। आफ्टर 15 to 20 days जब मैंने देखा था, आदविक की स्किन बहुत ग्लो कर रही थी, इवन फेस भी काफ़ी ग्लो कर रहा था और जितने भी हेयर थे वो सारे के सारे रिमूव हो चुके थे। क्योंकि इसमें मलाई होती है, देसी घी होती है, तो बच्चे के स्किन पे बहुत अच्छा मॉइस्चर आ जाता है जो कि काफ़ी बच्चे के स्किन के लिए अच्छा होता है। तो मैं आपके साथ ये फार्मूला शेयर करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मैंने वो उपटन कैसे तैयार किया है। चलिए दोस्त, जो हमें अपने फार्मूले के लिए सामान चाहिए वो आपके सामने है। मैं आपको बताती हूँ ये क्या क्या है। ये 2 चम्मच आटा, 1 चम्मच बेसन, थोड़ी सी मलाई, 1 पिंच हल्दी और मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी भी ऐड ऑन करूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि ये हम फार्मूला कैसे तैयार करेंगे। एक बॉल में हम आटा ले लेते हैं, उसी में हम बेसन डाल लेंगे, मलाई हम इसलिए डालते हैं ताकि बच्चे की स्किन में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए। अब हम इस डो को तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये डो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा डो तैयार हो गया है। इस डो को तैयार करने में हमने थोड़ा सा पानी भी मिलाया था, पानी आप अपने अकॉर्डिंगली मिला लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि डो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए, कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए। जब आपका ये उपटन तैयार हो जाए तो ध्यान रखिएगा इस उपटन के दो पार्ट कर लीजिएगा, एक फेस के लिए एक पूरी बॉडी के लिए। कभी भी पूरी बॉडी का जो उपटन है वो फेस पे मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि पूरी बॉडी पे जो बैक्टीरिया होते हैं वही अगर आप फेस पे अप्लाई करेंगे तो फेस बच्चे को बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी पूरी बॉडी का फेस पे मत अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चे को उपटन टॉप से बॉटम की ओर लगाया जाता है, तो सबसे पहले उसके फेस पे अप्लाई कीजिएगा, फिर पूरी बॉडी पे।
ये अगर आप उपकरण 15 दिन भी अपने बच्चों को लगाएंगे तो 15 दिन में ही आपके बच्चे के बाल पूरी तरीके से हट जाएंगे और आपके बच्चे में अपने आप में बहुत अच्छी स्किन उसकी ग्लो करेगी, मॉइस्चर बहुत अच्छा आ जाएगा बच्चे के अंदर। मैंने जब आदमी के ऊपर अप्लाई किया था तो मैंने बहुत अच्छा उसके ऊपर रिजल्ट देखा था। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 15 to 20 डेज का टाइम दीजिए और उसके बाद आपके बच्चे के ऑटोमेटिकली सारे बाल रिमूव हो